नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं सुपर फास्ट खबरों की ओर। देहरादून में प्रदेश मुख्यालय पर लगा कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, टिकट की दावेदारी रखने वाले प्रत्याशी पहुंचे कार्यालय। प्रतापगढ़ में बसपा प्रत्याशी अजय यादव की तीखी प्रतिक्रिया, विकास के नाम पर सरकार पूरी तरह हुई फेल, यादव बोले जनता अवश्य देगी जवाब। अयोध्या में पुलिस कर्मियों ने लगवाया कोरोना का बूस्टर डोज, चुनाव के चलते सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, लोगों को सुरक्षा का दिलाया एहसास। हरदोई में राज्य सरकार के आदेश हुए हवा हवाई, छुट्टा मवेशियों से किसान दिखे परेशान, जिम्मेदारों ने भी साधी चुप्पी। चंपारण में प्रशासनिक अधिकारियों ने लगाया जनता दरबार, जनता दरबार में जमीनी विवादों को लेकर हुई सुनवाई। बांका में कार की चपेट में आया 14 साल का मासूम, हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ मासूम गौरव, अस्पताल में घायल का इलाज जारी। बहराइच में बदमाशों ने लूटपाट की घटना को दिया अंजाम, बाइक और दुकान की चाबी सहित नकदी लेकर हुए फरार, पुलिस कर रही जांच पड़ताल। बहराइच में नीलगाय और मोटरसाइकिल की हुई टक्कर, हादसे में नीलगाय को आई गंभीर चोट, जंगल विभाग ने शुरू की अपनी कार्यवाही। उत्तराखंड में राप्ती नदी के तट पर हुआ यज्ञ, सत्य साधक विजेंद्र पांडे ने सुख समृद्धि के लिए किया यज्ञ, धर्म और आध्यात्म का महासंगम है राप्ती नदी। महाराजगंज में भाजपा नेता और व्यापारी ओम प्रकाश जायसवाल को दी गई श्रद्धांजलि, व्यापारियों ने आत्मा की शांति के लिए की ईश्वर से प्रार्थना। साबरकांठा में प्राकृतिक खेती को दिया जा रहा बढ़ावा, गन्ना लगाकर देसी गुड़ को बनाने की पहल हुई शुरू, रासायनिक उर्वरक का उपयोग करना उद्देश्य। बांका के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में सोहराय पर्व की धूम, 3 दिवसीय आयोजन में हुए कई पारंपरिक कार्यक्रम, समाजजनों ने दिखाया उत्साह। बहराइच में नेशनल हाईवे 927 पर हुआ भीषण हादसा, हाईवे पर अनियंत्रित हुई कार पेड़ से टकराई, हादसे में 2 की मौत, कई लोग हुए घायल। पाटन में भारत विकास परिषद ने किया कार्यक्रम का आयोजन, सुंदर मिलन और विस्मृति कला संगम का रखा कार्यक्रम, कई प्रबुद्धजन हुए शामिल। वाराणसी में सीआरपीएफ के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च, चुनाव में भयमुक्त मतदान कराना फ्लैग मार्च का उद्देश्य, लोगों को दिलाया सुरक्षा का एहसास। अरावली जिले के एसपी संजय खरात की जनता से अपील, त्योहार के वक्त बरते सतर्कता, कोरोना गाइडलाइन का सभी लोग करें पालन। नाव में सांसद साक्षी महाराज के जन्मदिन पर हुआ उल्लंघन, कोरोना गाइडलाइन की जमकर उड़ी धज्जिया, पुलिस ने मामले में दर्ज किया केस। नाव में श्रीमद भागवत कथा का चल रहा आयोजन, आचार्य संजय कृष्ण द्विवेदी ने भक्तों को बताया कथा का महत्व। चंपारण में चौतरवा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, भारी मात्रा में विदेशी शराब की जब्त, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की हुई शुरुआत, मकर संक्रांति पर्व पर अभियान को मिली हरी झंडी, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव टीवी समाचार। नमस्कार।